गाइस मैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है इंडिया एंड पाकिस्तान का। इंडिया जो है वो पहले बैटिंग कर रहा है एंड पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है। बॉलिंग जो है वो करवा रहे हैं हमारे शहनशाह आफरीदी। एंड होप सो कि इस बार जो है वो बारिश ना हो और पहले की तरह ना हो। हमारी टीम ने अच्छा खेला था, उतना ही अच्छा खेल पाया, हम जीत जाए मैच। होप सो, होप फॉर द बेस्ट ऑलवेज। एंड अभी मैच जो स्टार्ट हुआ, देखते हैं आगे की सूरत हाल क्या चलती है। गाइस चौका लग गया है एंड वेरी बैड सीन चल रहा है इस वक्त। देख सकते हैं लोग कितना खुश हो रहे हैं। खैर खैर कोई नहीं, अभी हम लोग बैटिंग करेंगे ना, फिर हम भी ऐसे खुश होंगे जब हमारे छक्के आगे लगेंगे। खैर अभी बैटिंग जो है वो कर रहे हैं रोहित एंड गिल, आई डोंट नो कौन गिल है, और रोहित तो रोहित शर्मा। माय गॉड, आउट हुआ है। नहीं हुआ, नो नॉट आउट, नॉट आउट। Ferrando is left and he makes no mistake, good running catch from Fahim, which brings up, which gets the first wicket which Pakistan was looking for. Rohit Sharma, what an innings from him. Goes out, made some. सो गाइज वी आर रेडी। जैसे आप सबको पता है कि आज पाकिस्तान इंडिया का मैच था जो कि बारिश की वजह से रुक चुका है। मे बी कैंसल, अभी स्टार्ट होगा तो फिर आधा मैच होगा, 20 ओवर्स वगैरह देखे कोई सीन होगा वो होना है। लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने फिरने के लिए, तो हम लोग थोड़ी शॉपिंग करने जाएंगे और फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। अभी डिसाइडेड नहीं है कुछ, डिसाइडेड यही है कि शॉपिंग करने जा रहे हैं, फिर वहाँ से कहाँ जाते हैं देखते हैं क्या क्या होता है आज के दिन हमारा। और बाकी सब रेडी हो चुके हैं, बस निकल चुके हैं। फ़ोन जो है मेरा तो कम चार्ज था इसलिए मैं चार्ज ला के यहाँ पर बैठी हुई हूँ। बस अब तैयार होते हैं, निकलते हैं और फिर लेट्स सी कि आज का हमारा दिन कैसा होता है। अशु पार्क होता है, पार्क होता है, एंट्रेंस है यहाँ की। अल्लाह फायदा तुम आगे से पकड़ लो, मैं नहीं जाती। आ जाएगा नहीं होना, दिख जाएगा तू पकड़ जाता है, चढ़ना ही नहीं आता। जाओ चढ़ तो यहाँ पहले सीढ़ी सीढ़ियाँ चढ़ो चढ़ो बच्चे। आ जाओ तुम, उधर नहीं आ जाओ, आ जाओ पकड़ लेगी अरुणा को, पकड़ नहीं पाऊंगी। अरे नीचे बैठ जाओ ना, नीचे बैठ जाओ, हां और बैठेंगे जल्दी आएंगे वो पीछे, जाओ आओ जल्दी पीछे रह शरा बाजरा ला। हां ऊपर ऊपर हां, अब आओ आ जाओ, आ जाओ है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ आओ
कुछ समझ में आया तो बाकी KFC वगैरह भी बना हुआ है यहाँ पे। मैं जो हूँ वो ख़ुद भी फर्स्ट टाइम आई हूँ, क्योंकि ये जो है वो हमारे घर से काफ़ी दूर है और ज़्यादातर शॉपिंग हम लोग ऑटोबान और बॉलीवुड मॉल से ही कर लेते हैं, तो यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे जनरेशन है वो वहाँ पे नहीं है बॉलीवुड में और ऑटोबान में, तो हम लोग इससे यहाँ पे आए हैं जनरेशन को देखने के लिए कुछ। बाकी आउटफिटर्स और अल्ट्रा वगैरह सब यहाँ पर बने हुए हैं। हुआ तो ले लेंगे, बाकी हर जगह सेल लगी हुई है, स्टाइलो पे भी लगी हुई है और बहुत सी जगह पे लगी हुई है। गाइस हम लोग ECS गए थे, ECS से जो हमने ऑटोबान पे देखी थी ना वो आर्टिकल हमारे वहाँ पे साइज नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे वो आर्टिकल ही नहीं है, तो ECS से हम लोगों ने फिर कुछ नहीं लिया। अब जा रहे हैं जनरेशन पे, देखते हैं देन फिर हर जगह जाएंगे और फिर देखेंगे कुछ समझ आ गया तो ले लेंगे, वरना फिर देखते हैं वो अच्छा है। अशोक सो गाइस मुझे जो है वो ये वाला ड्रेस कुर्ती पसंद आ गई है। तो गाइस शॉपिंग जो है हमारी हो चुकी है, अब हम लोग जाने लग गए हैं KFC ऊपर। चलते हैं, पहले हम लोग जब आए थे यहाँ बाहर से थी, अब उन्होंने बंद कर दिया अंदर। तो गाइज यहाँ पे आग के मातम की जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है, सामने उन्होंने आग भी जला दी है और इनकी वो शुरू हो गई मजलिस, एंड सामने स्क्रीन वगैरह भी उन्होंने लगाई हुई है। अभी तो मातम कोई 11-12 बजे के करीब होगा, लेकिन अभी जो है वो प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट कर दिया उन्होंने, आग जल रही है सामने, लोग आ रहे हैं और रास्ते वगैरह सब बंद कर दिए हैं, वहाँ का भी रास्ता बंद है, इधर का भी रास्ता बंद है, ये भी रास्ता बंद है। लेक्सी अभी यहाँ से तो बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा मातम के वक्त, तो हम लोग नहीं देख पाएंगे, तो हम लोग जाएंगे ऊपर, वहाँ से जाके देखेंगे। यहाँ पे उन्होंने पूरा रास्ता वगैरह बंद कर दिया है मेन रोड से, कोई भी नहीं आ सकता, और यहाँ पे जो शॉप थी वो भी खोलने नहीं थी, खैर यहाँ पे इनका अलम वगैरह सब लगा हुआ है एंड मातम के लिए आग जो है वो जला दी है